सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सलूम्बर जिला स्पेशल पुलिस टीम को सूचना मिली कि परसाद थाना सर्कल NH 48 पर पिपली बी गौ तथा नवोदय होटल पर गुजरात से आने वाले डीजल टेकरो तथा डामर के टेकरो से सील तोड़कर अवैध रूप से चोरी किया जा रहा है, जिस पर DST टीम मौके पर कार्यवाही के लिए गई। पीपली गांव में भैरूलाल मीणा निवासी कनकपुरा हाईवे के पास ही अपने घर के आगे एक रिलायंस टेकर सील तोड़कर इमो में डीजल भरता हुआ पाया गया। पुलिस को मौके पर देखकर ड्राइवर अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा तथा मौके पर डीजल निकालने वाला मेघराज पिता देवीलाल जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी पीपली व थाना परसाद मौके पर डिटेन किया गया। इस परिसर में 7 डीजल प्रत्येक में लगभग 200 लीटर डीजल भरा हुआ तथा 2 जरिकेन व अन्य पदार्थ के भरे हुए थे, जो संभवतया बायोडीजल हो सकता है। साथ ही भरने खाली करने इत्यादि बहुत सारे उपकरण पाए गए, जिस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम का होने से रसद विभाग जिला सलूम्बर तथा वृत्ताधिकारी सराड़ा DYSP राजेंद्र सिंह जैन को सूचित किया गया, जिनके द्वार सैंपलिंग तथा जब्ती एवं प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही जारी है। वही टीम ने पीपलीबी गांव में दूसरी जगह नवोदय होटल के पीछे 3 टैंकर डामर के भरे हुए, जिनकी सील तोड़कर डामर निकालते हुए पाए गए 4 टैंकरों और होटल परिसर में 35 ड्रम डामर के भरे हुए पाए गए तथा अन्य डामर भरने व खाली करने इत्यादि मशीनी उपकरण पाए गए, सभी को जब्त किया गया एवं तीनों टैंकरी के ड्राइवर कृष्ण गोपाल, सुरेश आसान मंसूरी एवं डीजल व डामर निकालने भरने वाला लक्ष्मण पिता हुकाजी मीणा उम्र 43 साल निवासी अंबाला थाना सराड़ा डिटेन किया गया।